दोस्तों नमस्कार। NPCI ने UPI लाइट को लॉन्च कर दिया है। बिना UPI पिन के आप पैसे भेज पाएंगे, तो आइए जानते हैं किस तरह से UPI लाइट को एनेबल करते हैं। UPI लाइट को एनेबल करने के बाद कैसे UPI लाइट को इस्तेमाल करना है और किस तरह से बिना UPI पिन के मनी ट्रांसफर करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप UPI लाइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर उसमें पैसे ऐड कर देते हैं, तो आप किसी भी समय कभी भी UPI लाइट से पैसे को आप निकाल सकते हैं, अपने खाते में ले सकते हैं। UPI लाइट में 2000 रुपये तक आप मनी को ऐड कर सकते हैं, वो भी अपने UPI से, जो भी आपके UPI के साथ बैंक अकाउंट लिंक है उसी से। अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं UPI लाइट के माध्यम से, तो 200 रुपये तक आप भेज सकते हैं, वो भी बिना UPI पिन के। अगर आप 200 रुपये से नीचे किसी का भी ट्रांजैक्शन करते हैं या पैसे भेजते हैं, तो आपको UPI पिन देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये आता है, क्या UPI लाइट से फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा? जी बिल्कुल, फ़ोन नंबर से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, UPI ID से भी आप यहां पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले UPI लाइट को इस्तेमाल करने के लिए आपको भीम UPI एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप अपना पासवर्ड दे के यहाँ पे इंटर हो सकते हैं भीम UPI एप्लीकेशन में। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां पे अकाउंट का पूरा फीचर दिखाया जाएगा, उसके ऊपर में ही भीम UPI लाइट लिखा रहेगा। तो यहां पे उसके बगल में देखिए एनेबल का एक ऑप्शन है, तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो यहां पे किस तरह से इनेबल करना है वो बताया जाता है। तो यहां पे बताया गया किस तरह से आपको UPI लाइट को इनेबल करना है, क्या होता है UPI लाइट, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाएंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनेबल नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप 2000 रुपये तक यहाँ पे UPI लाइट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2000 से नीचे 1500 या फिर 200 रुपया भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 200 रुपया यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 200 रुपया यहाँ पे जो है भीम UPI लाइट में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इनेबल UPI लाइट पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐड करेंगे UPI लाइट में 200 रुपया या 2000, तब आपका UPI पिन मांगेगा। तो UPI पिन डाल के यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 200 रुपया यहाँ पे मेरा जो है सक्सेसफुली UPI लाइट में ऐड हो चुका है मनी। तो यहाँ पे गो टू UPI लाइट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, दो यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिखाया जा रहा है। एक तो जो मेरा मेन बैंक अकाउंट है वो है, एक तो जो वॉलेट क्रिएट हुआ है वो है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 200 रुपया का यहाँ पे वॉलेट क्रिएट हो चुका है भीम UPI लाइट में। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 200 रुपया ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे ऐड मनी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं या रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मनी सेंड करना है, सेंड मनी पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे UPI ID से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक अकाउंट या IFSC कोड के द्वारा आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं फ़ोन नंबर से किस तरह से UPI लाइट से मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको UPI लाइट से कितना आपको ट्रांसफ़र करना है, तो आपको ध्यान में रखना है 200 रुपये से नीचे ही आप किसी को बिना UPI पिन का आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 50 रुपये इंटर कर देते हैं और यहाँ से हम यहाँ पे कर देते हैं। 200 रुपया दिखा रहा है, ये वॉलेट का है, तो UPI लाइट का है, तो यहीं से हम पेमेंट करेंगे। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे में देखिए कन्फर्म का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्म पेज आएगा, तो फिर से यहाँ पे आप कन्फर्म कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। बिना UPI पिन के आप जो है 200 रुपये से नीचे तक का आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी मनी UPI लाइट के माध्यम से। अगर आपका मन हो गया कि हम UPI लाइट को यूज नहीं करेंगे, जितना भी आपके UPI लाइट में पैसा पड़ा हुआ है वो आपके खाते में आ जाए, तो यहाँ पे सिंपली सी डिसेबल पे क्लिक करेंगे। और डिसेबल पे क्लिक करने के बाद आपका जो है UPI लाइट बंद कर दिया जाएगा
और जो भी पैसे उसमें पड़े हुए हैं वो सारा का सारा आपके खाते में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं तो मैंने 200 रुपया ऐड किया था और 50 रुपया किसी को मैंने ट्रांसफ़र किया था, टोटल बच गया यहाँ पे 150 रुपये। तो यहाँ पे देखिए 150 रुपये मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इससे आपको ये बेनिफिट भी है, अगर आपको 200 रुपये से नीचे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिना UPI पिन का आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो भी आपके पैसे बच जाते हैं तो वो डायरेक्टली आप खाते में ले सकते हैं डिसेबल करके UPI लाइट। तो इस तरह से आप भीम एप्लीकेशन में UPI लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिला है, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम में यह फीचर अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। जैसे ही और भी एप्लीकेशन में लॉन्च किया जाएगा हम आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिलहाल ये है जो गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है भीम UPI, तो इसी में ये फीचर ये दिया गया है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। तो इस वीडियो के रिकॉर्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।